आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं वीर स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह के बारे में। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के निकट सराभा गांव में हुआ था। उन्होंने बेसिक शिक्षा लुधियाना में पूरी की। 1912 में करतार सिंह को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सवाल पूछते समय भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, जबकि अन्य देशों के नागरिकों को न्यूनतम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जाने दिया जाता था। इससे युवक सराभा क्रोधित हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। बर्कली में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों के नालंदा क्लब के साथ जुड़ाव से सराभा में देशभक्ति की भावना और परवान चढ़ी। 1913 में जब गदर आंदोलन शुरू हुआ तो करतार सिंह उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल हो गए। सराभा को गदर पार्टी के मुखपत्र गदर के पंजाबी संस्करण का प्रभारी बनाया गया। शीघ्र ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और गदर पार्टी के सदस्यों ने फैसला किया कि मातृभूमि में पैर जमाने और देशवासियों को एकजुट करने का यही सही समय है। 15 सितंबर 1915 को करतार सिंह ने भारत के लिए प्रस्थान किया। वे बनारस में जाने माने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिले और उन्हें गदर पार्टी के 20,000 सदस्यों और कार्यकर्ताओं के भारत आने की सूचना दी। उन्होंने क्रांति की योजना बनाई। दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की योजना की भनक लग गई और उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया। कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे करतार सिंह योजना के अनुसार काम करने से नहीं रुके। वे क्रांति के लिए तैयारी करने के लिए पंजाब चले गए। उन्होंने ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीयों को एकजुट करने और उन्हें आंदोलन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 21 फरवरी 1915 को विद्रोह करने की योजना बनाई गई। इसके तहत मियां मीर और फिरोजपुर छावनियों पर हमले की योजना बनी। इस बीच अंग्रेजों ने तेजी से कार्रवाई की और अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया।